नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। है वो काफी न्यूज में है एंड बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2019 में वो लोग अपने डिवाइसेस में 5G टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 4G जो है वो काफी अच्छी स्पीड दे देती है, तो 5G का क्या स्पीड होगा, क्या वो अपने एग्जिस्टिंग डिवाइसेस में 5G को यूज़ कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगा एंड मोर स्पेसिफिकली क्या वो आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस में काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले 5G के बारे में बात करने से पहले मैं नेटवर्क के ऊपर एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। दोस्तों 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, जो G है वो जनरेशन को डिनोट करता है। तो अभी अगर हम लोग इस वीडियो में 5G के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन का जो नेटवर्क है वो यूज़ अपने डिवाइसेस में कर चुके हैं। हर एक जनरेशन का जो नेटवर्क है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है उसमें एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ होता था, उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन आया उसमें CDMA एंड GSM जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता था। आप लोगों को याद होगा कि आप लोग जो है CDMA या फिर GSM सिम कार्ड्स लेते थे। उसके बाद आ गया थर्ड जनरेशन जिसमें ई वीडियो एंड HSPA टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था। इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन फोकस है 5G के बारे में डिस्कस करना। उसके बाद आ गया आपका 4G टेक्नोलॉजी जिसमें LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाने लगा। जो लोग रिलायंस जियो का सिम यूज़ करते हैं उन लोगों को डेफिनेटली पता होगा क्योंकि वो लोग बॉल्टी का यूज़ करते हैं, मतलब वॉइस ओवर LTE जो है टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। तो इसी के ऊपर बेस करके जो 4G नेटवर्क है वो आया था। अभी के जो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भी LTE के ऊपर ही बेस्ड है। ये जितने भी नेटवर्क्स हैं वो काम करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करके, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ही डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक खूबी है कि जैसे जैसे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डेटा वो अपने साथ कैरी कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वो वेव या फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये जो अलग अलग जनरेशन के नेटवर्क हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हर एक जनरेशन में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाने लगा। इसका मेन रीज़न यही है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा जैसे मैंने अभी बताया वो अपने साथ ज़्यादा डेटा कैरी कर पाएगा, जिसके हेल्प से अभी आप 4G में देख रहे हो कि बहुत हाई स्पीड का जो डेटा आपको मिल जाता है, आप बहुत हाई स्पीड में वीडियोस वगैरह देख सकते हो विदाउट बफरिंग। धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन अपग्रेडेशन होने लगा उसमें एक चीज़ कॉमन हुआ कि डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो बढ़ता चला गया एंड जो लेटेंसी है, लेटेंसी मतलब जैसे आपने किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट अपने मोबाइल से किया है तो वो रिक्वेस्ट जाके सर्वर तक जाएगा एंड सर्वर से फिर वापस आके आपने आपके मोबाइल पर जब पहुँचेगा उस टाइम को बोला जाता है लेटेंसी। अब देखोगे कि फर्स्ट जनरेशन में जितना टाइम लगता था, सेकेंड जनरेशन में जितना टाइम लगता था, वो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, मतलब लेटेंसी जो है वो कम होते जा रहा है। 5G में क्या होगा, लेटेंसी और कम होगा, इसके हेल्प से आप बहुत क्विकली डेटा को एक्सेस कर पाओगे। आप जैसे ही टाइप करोगे वो डेटा आपके सामने होगा। अभी बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। जो 5G टेक्नोलॉजी है जैसे कि मैंने अभी बताया वो LTE के ऊपर बेस्ड है, मतलब 4G टेक्नोलॉजी में जो LTE यूज़ करते हैं उसी को बेस करके 5G टेक्नोलॉजी काम करेगा। 5G में बेसिकली दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यूज़ किए जाएंगे, एक होगा लो फ्रीक्वेंसी, एक होगा हायर फ्रीक्वेंसी। जो लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव होंगे वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगा। अभी जितने भी सेल फोन प्रोवाइडर्स हैं वो बड़े बड़े टावर्स का यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। आपने देखा होगा कि किसी सड़क पे या फिर अलग अलग जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जिसके हेल्प से जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो काम करते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाला वेव होगा 5G का वो भी इसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर बेस करके काम करेगा। अभी जितने भी न्यूज़ में आ रहे हैं कि 2019 में 5G आ जाएगा वो इसी लो फ्रीक्वेंसी वाले बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो स्पीड मिलेगा वो एग्जिस्टिंग 4G से 20-25% ज़्यादा मिलेगा एंड लेटेंसी जो होगा वो कम होगा। दूसरा जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वो ज़्यादा डेटा तो कैरी कर पाएगा बट ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि 5G का जो हाई बैंड होगा उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बड़े पोल्स यूज़ किया जाता है उसको यूज़ करके वो डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा या फिर डेटा को कैरी नहीं कर पाएगा।
इसीलिए जो सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि एक छोटा छोटा डिवाइसेज जो है वो के रास्ते के किसी पोल में हो या फिर किसी बिल्डिंग में हो उसमें इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इस हाई फ्रिक्वेंसी वाले बैंड को आगे ट्रांसमिट करते हुए डेटा को लेके चला जाएगा। तो इस तरह से एक 5G का एक लो फ्रीक्वेंसी वाला बैंड होगा एंड एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या 5G टेक्नोलॉजी आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल्स में जो 4G मोबाइल है उसमें काम करेगा। इसमें बुरी खबर यही है कि 5G टेक्नोलॉजी आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल में काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि 3G मोबाइल जब आप लोग यूज़ कर रहे थे उसमें 4G काम नहीं कर रहा था, ओके? तो इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको आपके हार्डवेयर को भी चेंज करना होगा। उसके बाद आप लोगों को ये बता दूँ कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो इनिशियली चाइना, नॉर्थ कोरिया इन कंट्रीज में आएंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे अदर कंट्रीज में 5G को पाया जाएगा। लेकिन इंडिया में 5G कम्प्लीटली या फुल फ्लेजेडली 2020 के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। तो इसीलिए आप जो 2019 में जो 5G का एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लो फ्रिक्वेंसी वाला 5G होगा, जिसमें आपको स्पीड जो है वो प्रेजेंट स्पीड से 20-25% ज़्यादा मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ आइडिया आप लोगों को दे पाया हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।